राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कुछ मनोकामना जो हम लोग को पूर्ण नहीं होती हैं, तो वो कैसे पूर्ण किया जाए। आपकी कोई मनोकामना और ऐसा काम या कार्य जो बहुत कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है, आप सब जगह से हार गए हो, तो आप ये शिव महापुराण का बहुत ही सरल उपाय और छोटा सा काम करिए, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, प्रदोष काल के समय एक बेलपत्र ले, बीच वाले पत्ते पे शहद लगाएं तथा आसपास वाले पत्ते पे लाल चंदन लगा के हथेली पर रख लें। और एक बात ध्यान दें भक्तों, जब बीच वाले पत्ते पे शहद लगा रहे होंगे तो चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें, और आसपास वाले पत्ते पर जब लाल चंदन लगाए तो दूतेश्वर महादेव का नाम लें। उसके बाद बेलपत्र को हथेली पर रख कर अंगूठे से दबा कर आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी कामना करना है आपको, वो करें। शिवलिंग पर वो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। फिर आपके पास अगर लौंग हो, काली मिर्च हो, एक शिवलिंग पर रख दीजिए। ऐसे करने से महादेव आप पे खुश हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। महादेव बहुत दयालु होते हैं, तो कृपया करके आपके अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप ये जो मैं आपको बताई हूँ ये उपाय आप एक बार ट्राई करें। भगवान करे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम।